हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक हियर। आज का मैंने टॉपिक गोल्ड फिश पे सेलेक्ट किया है। आज मैं बताऊंगा उसका केयर, टैंक मेट्स, टैंक साइज क्या फिट करें। इस वीडियो में सब पे बात की जाएगी, बट चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर और कमेंट भी करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड फिश एक ऐसी फिश है जो सबको पसंद आती है। कोई भी एक्वेरिस्ट पहली बार जब एक्वेरियम अपने घर में लाता है तो वो गोल्ड फिश ज़रूर रखता है, बट गोल्ड फिश कुछ दिन के बाद उनकी डेथ कर जाती है। उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि टैंक मेट्स। टैंक मेट्स गोल्ड फिश की ही वैरायटी होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, मेरे पास कोई कार्प है और दो गोल्ड फिश है, और एक ऐसी गोल्ड फिश है जो गोल्ड की तरह है और कार्प की तरह है। रुकिए, मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वेलटेल गोल्ड भी इसे बोल सकते हैं, और ये कार्प की मिक्स है। गोल्ड के साथ शार्क भी रहेगी, क्रोकोडाइल फिश भी रहेगी, ब्लैक मोर भी रहेगी। मेरे पास ब्लैक मोर भी है, जो कि मैं काफ़ी छोटी साइज से लाया था। अब गोल्ड फिश के बारे में बात करते हैं, उनको कितना बड़ा टैंक प्रोवाइड करें। गोल्ड फिश को आपका 2.5 फीट से प्लस टैंक लगता है। अगर आप इससे छोटा देंगे तो भी ये सरवाइव कर लेगी, बट इसका ग्रोथ होगा वो काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि गोल्ड फिश 6 इंच टू 12 इंच बड़ी होती हैं। गोल्ड फिश ठंडे पानी की मछली हैं। उनके एक्वेरियम का टेम्परेचर 25 टू 27 होना चाहिए, 28 भी हो सकता है, बट उससे ऊपर होगी तो गोल्ड फिश मर जाएगी। गोल्ड फिश को दिन में 2 बार फीड करें, ऐसी क्वांटिटी में जितने में वो 5 मिनट के अंदर खा जाए, क्योंकि गोल्ड फिश में स्टमक नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जो भी खाती है कुछ देर के बाद वो पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देती है। देन आफ्टर उसके बाद उसको वापस से भूख लग जाती है। गोल्ड फिश एक ऐसी मछली है जिसको हमेशा भूख लगी रहती है। जब भी आप फीड करेंगे तो वो वाप ऊपर आ जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बस फोन ना छूट जाए। गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा फीड लेती है, जिसकी वजह से इसका एक्वेरियम हफ्ते हफ्ते में गंदा हो जाता है। इसलिए आप हफ्ते में 2 बार 40% वाटर चेंज करें और एक्सटर्नल फिल्टर यूज़ करें। अगर इंटरनल फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो बड़ा वाला यूज़ करें। गोल्ड फिश का सेटअप एकदम नेचुरल होना चाहिए। उसमें आप आर्टिफिशियल लीव्स, प्लांट्स जो आते हैं, और टॉयज मत ऐड करिए, क्योंकि उन्हें तैरने के लिए जगह चाहिए काफ़ी। जितना तैरेंगी उतना अच्छा ग्रोथ होगा उनका। ये जो सारी फिशेज हैं ये मेरे पास 6 ईयर से हैं और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। मैंने 1 इंच से लेके आया था, शार्क को 2 इंच का लाया था, और सारी फिशेज 1-1 इंच की थी। देखिए कितनी बड़ी हो चुकी हैं। इसमें गोल्ड फिश मेरे पास 5 5 इंच की है, 2 5 इंच की हैं, 1 4 इंच की है, कार्फ 6 इंच की है,
शार्क 8 इंच की है, कितनी बड़ी हो चुकी हैं। ब्लैक मोर आपकी 2.5 से 3 इंच की होगी और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। थैंक यू।